आप भी बताओ, बहुत नौटंकी है, बहुत नौटंकी है, इसकी बातों में मत जाया करो कोई भी। इसके है बहुत नौटंकी, बहुत नौटंकी, इसके नौटंकी देख लो। नाम इतना कमाओ कि लोग गाली पर भी ताली बजाएं। तो कैसे हैं आप लोग? नौटंकी घर पे आके देख लो ना, आप सब तो पागल ही हो जाओगे, पागल। मैं तो बंदूक से मार दूं इसको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लिए मैं वीडियो ले आई हूँ इलियाना की, क्योंकि लॉकडाउन है और बच्चों के स्कूल चालू नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में, COVID-19 के चक्कर में। और इलियाना के क्लासेस चालू हो चुकी हैं स्कूल की, और ये जाती है दारुल पब्लिक स्कूल में, जो कि है एक मुस्लिम स्कूल स्टेशन रोड पे, तो काफ़ी अच्छा स्कूल है। तो ये वहाँ पर जा रही है, मतलब जा तो नहीं रही है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इनका कोर्स भी आ चुका है। मैं आपको इस वीडियो में इसका कोर्स बताऊंगी, इसका जो मैं स्टेशनरी लाई हूँ उसके लिए वो बताऊंगी, उसकी बुक्स बताऊंगी कि उस स्कूल की बुक्स कैसी होती हैं। काफ़ी लोगों का वो था कि मुस्लिम स्कूल की बुक्स कैसी होती हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी। और पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ मिस हो जाएगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्योंकि मैं उसमें प्रोवाइड कर देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। उसकी स्टेशनरी में क्या क्या मैं इसके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि इसका मुंह बन रहा है, देखिए जैसे कोई नींद आ रही है इसको। ये देखिए मुंह देखिए, इसका फेस देखिए कैसा बन रहा है। ओह माय गॉड, वाओ गॉड, इसके लिए इतनी चीजें लेके आई हूँ मैं, तब भी इसका ऐसा फेस बन रहा है। देखो देखो कैसे देख रही है मुझे, जैसे खा जाएगी बब्बर शेर की तरह मुझे। देखो अब स्माइल भी नहीं करेगी ये इसको, क्योंकि मैं और चीज़ें भी नहीं लाऊंगी इसको। तो सबसे पहले हम बता देते हैं इसकी बुक्स, जो कि हैं इसकी बुक्स, इतनी सारी बुक्स हैं इसकी, इतनी सारी। तो मैं आपको वन बाय वन करके इसकी बुक्स बताऊंगी। पहले तो है राइटिंग और ब्राइट बुक इसकी, फर्स्ट ये है जो सब स्कूलों में रहती है इंग्लिश मीडियम की, वो ही है। और ये स्कूल जो है मुस्लिम, ये इंग्लिश मीडियम है। और ये है इंग्लिश की बुक न्यू वर्ल्ड, और मैक्स की कंपल्सरी जो होता है ये मैक्स की है। और बस इसके अंदर सारी बुक्स एक जैसी होती हैं। ये है एक हिंदी की ग्रामर वगैरह की, और ये है जो एक्स्ट्रा बुक आती हैं इसके अंदर, और ये है उर्दू की, जिसके अंदर अलीफ बा ता सा जीम है खे दाल जाल, जो कि ये पढ़ेगी। तो ये वाली बुक इसके अंदर एक्स्ट्रा आई हैं, बाकी जो सारी बुक्स रहती हैं इंग्लिश मीडियम में बस वही बुक हैं। और उसके अलावा ये 2 बुक एक्स्ट्रा आई हैं, ये वाली एंड ये वाली, काफ़ी अच्छी हैं ताकि बच्चों को उर्दू बोलना सीख जाएं और पढ़ना सीख जाएं, तो उसके लिए अच्छा है। और ये एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं करते हैं इसके पढ़ाने के, काफ़ी अच्छा स्कूल है। इसका ब्रांच भी खुल चुकी है एक और विज्ञान नगर में, जो कि बड़ी ब्रांच है। तो ये है, और सुल्तान तो जाता है बाल विद्यालय में। तो अब बता देते हैं इसका बॉक्स, पहले बॉक्स बता दूँ। तो बॉक्स देख के आपको चेहरे पे लगी रहा होगा कैसी स्माइल आ रही है इसके। तो इसका बॉक्स है यूनिकॉर्न का, देखिए कितना अच्छा बॉक्स है इसका यूनिकॉर्न का। और ये पाउच वाला है, बच्चे इसको तोड़ भी नहीं सकते हैं, काफी अच्छा और मजबूत है ये। तो ये मुझे पड़ा, ये मुझे प्राइस में मेंशन कर दूंगी, ये मुझे पड़ा 300 का, ये 300 का बॉक्स है। जी हाँ, ये 300 का बॉक्स है इसका, देखिए कैसा बॉक्स है। और ये टूटने वाला भी नहीं, बहुत मजबूत है क्योंकि इसके अंदर जिप है। और इसकी लुकिंग के ज़्यादा पैसे हैं इसके, क्योंकि यूनिकॉर्न बना हुआ है इस पर, तो दैट्स वाई इज सो कॉस्टली। और काफ़ी अच्छा है, और इसमें डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी थी, बट मेरे को तो पिंक, इसके लिए पिंक ही अच्छा लगता है। इसका मुँह देखा है, पिंक लेने लायक भी नहीं है, देखो तो कैसे मुँह फेस बना रही है अपना। और इसका जो रेजर है मैं बता देती हूँ, आपका पेंसिल तो जो यूज़ करते हैं वो वाली है, और तो इसका रेजर है ऐसा वाला, देखा इसका रेजर कैसा है, ये इसे ओपन हो जाता है, ये शॉर्पनर है। और इस पर भी एक केप आती है ताकि बच्चों को डबल लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, बस एक में ही थोड़ा काम चल जाए। तो ये, और एक यहाँ पर भी इसके जिप आती है जिससे बच्चे आराम से अपनी चीज़ें रख सकेंगे इसके अंदर। ऐसे तो ये काफ़ी अच्छा बॉक्स लगा मुझे 300 में, काफ़ी अच्छा बॉक्स है क्योंकि इसके अंदर बहुत मजबूत भी है, क्योंकि बच्चों को बार बार में लाना पड़ जाता है, ये थक चुकी है तो। और अब बता देती हूँ मैं इसका बैग, स्कूल बैग, क्योंकि स्कूल तो जाएगी नहीं, लेकिन तब भी मैं इसके लिए बैग लेके आई। तो
इसका बैग है ये वाला, लुक एट दिस बैग, बैग इज सो ब्यूटीफुल। देखिए इसके अंदर एक पॉम्पॉम भी लगा हुआ है, काफी ब्यूटीफुल बना देता है जिसको ये बैग। तो इसमें काफी सारी जिप है, मैं बता देती हूँ, वन मिनट, इसमें काफी सारी जिप है, एक यहाँ पर भी जिप है और एक ये भी काफी मजबूत बैग है और एक यहाँ पर भी जिप है, यहाँ पर भी एक जिप इसकी इन्होंने यहाँ पर भी दे रखी है, ये पूरी ये यहाँ पर, ताकि पूरा यहाँ पर बच्चे अपनी बुक्स वगैरह कुछ भी टिफिन वगैरह रख सकते हैं। टिफिन के लिए तो ये है, काफी अच्छा है। और यूनिकॉर्न, ये भी इसका यूनिकॉर्न ही है। और ये है साइड में इसके बोतल वगैरह रखने के लिए, ये इसके मैचिंग का हो चुका है, ये बोतल वगैरह रखने के लिए, इसके लिए बोतल क्यों नहीं, ये बोतल के, क्योंकि आप स्कूल नहीं जाओगे, बोतल क्यों नहीं लाएंगे, स्कूल बढ़ा जाएगी ना, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इनकी तो। और एक जिप यहाँ पर भी है, ये एक जिप यहाँ पर भी है और एक जिप यहाँ पर भी है। ऐसे इसके अंदर ना काफी सारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके अंदर 6 जिप हैं, वो काफी मजबूत बैग है। ये एक बैक साइड इसका ऐसा है बैक साइड। और इसकी जो प्राइस है मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, ये है मुझे बोला था उसने 1000 का, बट मैंने इसको लिया है 800 का। तो ये काफी अच्छा बैग है इसका, काफी अच्छा बैग है, बहुत अच्छा बैग लगा मुझे इसका, तो मैंने इसको ले लिया। तो आज का व्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, आज के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, और आज के लिए बाय बाय, लव यू, बाय बाय।